राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। 7 अगस्त 2020 शुक्रवार को हेरंब संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम हेरंब संकष्टी चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी या संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत संकटों को हरने वाला है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है। हर महीने में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी के अलग अलग नाम नहीं होते, किंतु संकष्टी चतुर्थी या संकट चौथ गणेश जी के अनेकों रूपों को मनाता है। भादव मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। हेरंब, जिन्हें हेरंब गणपति के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश जी के 5 सिर वाले एक रूप हैं। यह रूप नेपाल में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह रूप गणेश जी की तांत्रिक पूजा में महत्वपूर्ण है। यह गणेश जी के 32 रूपों में से सबसे लोकप्रिय है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हेरंब का अर्थ समझाया गया है। शब्दांश हे मददगार या कमजोरी को दर्शाता है, जबकि रंबा कमजोर लोगों की सुरक्षा है, उन्हें नुकसान से बचाने के लिए। इस प्रकार हेरंब का अर्थ है कमजोरों का रक्षक। हेरंब का वर्णन 5 हाथी के सिरों के साथ होता है। 4 मुख चारों दिशाओं का सामना कर रहे हैं, जबकि 5वां सिर ऊपर की ओर देख रहे हैं। हेरंब के 5 सिरों के रंग उनके पिता भगवान शिव जी के 5 पहलुओं ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात से निकट से संबंधित हैं। हेरंब गणपति के 5 सिर उनके शक्ति के प्रतीक हैं। जहां हेरंब गणेश जी का रंग पीला सुनहरा बताया जाता है, कभी कभी उन्हें जटिल श्वेत होने का वर्णन किया जाता है। हेरंब गणपति एक शक्तिशाली शेर की सवारी करते हुए दर्शाए जाते हैं। यह शेर उन्हें अपनी माता से विरासत में मिला है। हेरंब गणेश जी के 10 भुजाएं हैं। इनमें वे एक पाशा, दाता, अक्षमाला, एक परशु, 3 सिर वाला मुटकरा और मीठा मोदक धारण किए हुए हैं। 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं और 2 अन्य हाथों में हथियार हैं। कभी कभी उनकी संगी उनकी गोद में बैठी हुई दिखाई जाती हैं। हेरंब गणपति जी कमजोर के रक्षक हैं। हेरंब गणपति जी की पूजा करने से वे निर्भयता प्रदान करते हैं और किसी के दुश्मनों को पराजित करने या विनाश करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर में गणेश जी के इस रूप की पूजा की जाती है और इनका मंत्र है ओम कण नमः। आइए अब व्रत कथा सुनें। सतयुग में एक धर्मात्मा युवनाश्व राजा था। उसके राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और सभी अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा क्रम से 7ों के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चौथ का व्रत करके अपनी बड़ी बहू के पास गया और बोला, बहू आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। बहू बोली, घर के काम से छुट्टी नहीं है और आप हमेशा कुछ ना कुछ लगाए रहते हो, अभी नहीं कर सकते। ऐसे अपमान सहते हुए अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन की सामग्री की बात कही तो उसने कहा, आप दुखी ना हो, मैं अभी पूजन सामग्री लाती हूँ। वह भिक्षा मांग करके सामान लाई। स्वयं वह अपने ससुर के लिए सामग्री इकट्ठा कर दोनों ने भक्तिपूर्वक विघ्ननाशक की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। आधी रात को विष्णु शर्मा को उल्टी होने लगी, दस्त होने लगे। उसने अपने ससुर के हाथ पांव धोए। सारी रात दुखी रही और जागरण करती रही।
प्रातःकाल हो गया। श्री गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब और बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का भान हुआ। वे भी क्षमा मांगते हुए गणेश व्रत की और वे भी संपन्न हो गई। इस प्रकार श्री गणेश चौथ व्रत कर अपने सभी मनोरथ पूर्ण करें। आइए अब संकष्टी चतुर्थी मनाई ही क्यों जाती है इसकी पौराणिक कथा सुने। दरअसल इसके साथ तीन कथाएं जुड़े हैं। पहली कथा, एक समय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु जी से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव जी को और माता पार्वती जी को निमंत्रण तो भेजा है, गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो वे आ सकते हैं। हालांकि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे, ऐसे में आप घर की देखरेख ही कर लो। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे रहे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव जी के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हो गया। अब दूसरी कथा, एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव जी के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव जी को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती जी के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उसके संकटों को दूर कर दे। अब तीसरी कथा, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को
मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। तो ये थी दोस्तों सकट चौथ से जुड़ी कुछ प्यारी सी कथाएं। अब गणेश जी की आरती सुने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझत को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रिय मित्रों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।